संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। ये वीडियो देखिए आप लोग, ये इस देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका वीडियो है पुराना, चुनाव प्रचार का 2014 का। तब उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री थे बीजेपी की तरफ से। पैकेज को लेकर उनकी ये राय है, खुद सुनिए। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। सुना आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के गुजरात जैसे राज्य के गुजरात मॉडल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट थे अपनी पार्टी की तरफ से, और वो कह रहे थे कि पैकेज जो है वो एक दिखावा होता है, ठगने का तरीका है। फिर से सुन लीजिए और उसके बाद आगे और देखिए प्रधानमंत्री के मजेदार भाषण, जिसको लोग याद कर रहे हैं। देखिए आप ये भाषण फिर से सुन लीजिए, पैकेज की हकीकत है ये। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, और उस समय जब ये भाषण दे रहे थे, पुराना वीडियो है, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कोई आयरे गहरे नेता नहीं थे, तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन के आए थे, उनका ये वीडियो सुनिए। उसके बाद आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए, पहले एक बार फिर सुन लीजिए। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। ये सोशल मीडिया है साहब, टेलीविजन अखबार नहीं, जो सवाल नहीं पूछेगा आपका तलवे चाटेगा, ये सवाल पूछता है। ये सोशल मीडिया है, सब कुछ सबके सामने है। और ये देखिए खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किस तरह से एक फेल सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी नेता की होती है। तो सब कुछ अब मैं फिर से शुरू करता हूँ, पता नहीं किसने भी बनाया है, जिसने भी बनाया है शानदार बनाया है। तो ये पूरा वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि चप्पल वाले अब हवाई जहाज में चढ़ेंगे, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि पानी के बोतल का चप्पल बनाना पड़ रहा है, पैरों में छाले पड़े हैं। देख लीजिए एक बार वीडियो। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। ये देखा आपने, अब दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो भी मोदी जी का ही है। 100 स्मार्ट सिटी कहा था प्रधानमंत्री, एक एक सांसद गांव को गोद लेगा, बुलेट ट्रेन आएगा, मजदूर कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। देखिए वो कितना फेंकने में माहिर है, इसलिए उनको फेंकू कहा जाता है। उन्होंने एक शहर बनाने का बात कही थी जो संघाई से बड़ा होगा। ये वीडियो सुन लीजिए। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा
उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो शांघाई है उस शांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे, आम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, अब तीसरा वीडियो इनका देख लीजिए। ये खुद कह रहे हैं कि अगर कोई आपदा है और आपदा निपटने की तैयारी नहीं है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, हम नहीं कह रहे, देख लीजिए वीडियो। संकट आते हैं लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। ये देखा आपने, अब आइए मीडिया कैसे चरित्र बदल रहा है। रुबिका लियाकत पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई हैं और सवाल पूछने, अब वो जमातियों को एक्सट्रीमिस्ट कह रही हैं और कुछ सवाल दाग रही हैं एक आरएसएस के बंदे से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और जम के तूतूमय हुई है। काश रुबिका लियाकत जी को एक्सट्रीमिस्ट का मतलब पता होता, और अगर उनकी हिम्मत है तो वो एक्सट्रीमिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट कह के दिखाए, फिर उनको पता चलेगा ना नौकरी रहेगी मैडम की, न भारत में रहने के लायक होंगे, उनके साथ ही वही व्यवहार होगा जो इस देश में जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों के साथ होता है, भेदभाव। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है। संगीत रागी, तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन है जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है, तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं? मैं तबलीगी नहीं हूँ लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ। संगीत रागी, आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है। चलिए, देर ही सही, काश अंतरात्मा जग जाए, कभी भी किसी का जग सकता है। तो ये चारों वीडियो जो है आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। हमारी कोशिश होती है कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे ट्रेंड हो रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, वो आप तक पहुँचाए। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।